रायथल गांव फिर दूसरी बार बना टापू। गांव के चारों ओर पानी ही पानी, ग्रामीण परेशान। जवाई नदी व उसकी सहायक नदियों और नाले उफान पर चलने से मंगलवार को और उपकरण का रायथल गांव दूसरी बार टापू बन गया। आपको बता दें कि रायथल गांव में बिपरसुआ तूफान से हुई बारिश के बाद भी पानी आया था और पूरा गांव टापू बन गया था। उस पानी की अभी तक पूरी तरह से निकासी भी नहीं हो पाई थी कि पिछले दो दिनों में हुई बारिश से फिर दूसरी बार जवाई नदी व उसकी सहायक नदियों में पानी आने से रायथल गांव पानी से टापू बन गया है। ऐसे में कई परिवार अभी भी विद्यालय में रुके हुए हैं तो कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में रायथल गांव के कई लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं बलवीर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रायथल भवरानी मार्ग पिछले 25 दिनों से बंद है। ऐसे में ग्रामीणों को आवागमन व जरूरी वस्तुएं लाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं इतने दिनों से पानी फैला होने के कारण कई बीमारियां फैलने की भी आशंका है, मगर प्रशासन द्वारा पानी निकासी को लेकर अभी तक कोई पुख्ता प्रयास नहीं किए गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं कई तरह की समस्याओं से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। Thank you.